अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बी नेचुरल सीक्रेट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे शैम्पू का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट मुझे सर्दियाँ स्टार्ट होते ही आ रही थी कि दी कोई अच्छा सा शैम्पू बताओ जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो सके या कम हो सके। तो गाइज़, ये है हिमालय हर्बल एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये पैराबेन फ्री शैम्पू है। मैंने इस वीडियो को लाते हुए मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पहले मैं खुद उसे यूज़ करती हूँ, मुझे उसका रिज़ल्ट कैसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, इस शैम्पू की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पैराबेंस बिल्कुल भी नहीं है। पैराबेन हमारे बालों के लिए बहुत हार्मफुल होता है जिससे हमारे बाल डैमेज और डल हो जाते हैं, लेकिन ये शैम्पू हमारे बालों की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं है। और गाइज, ये शैम्पू ऑल हेयर टाइप्स वालों के लिए है, तो इसे सभी हेयर टाइप वाले, ऑयली हेयर है, अगर आपके फ्रिजी हेयर है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक नज़र इनके इंग्रेडिएंट्स पर डाल देंगे तो गाइज, इसमें है टी ट्री ऑयल जो नेचुरल एंटी फंगल एजेंट है जो डैंड्रफ से फाइट करता है। नेक्स्ट है एलोवेरा जो बालों को सॉफ्ट बनाता है, स्कैल्प को सूथ करता है और डैंड्रफ की वजह से बालों में जो इचिंग होती है, खुजली होती है, उसे भी ये कम करता है। एंड लास्ट है चिक पी जो आपके बालों को नेचुरल प्रोटीन देकर नरिश करने का काम करता है। तो गाइज, ये तीन मेन इंग्रेडिएंट है इस शैम्पू के जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन और सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल बैक साइड में दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 68 रुपीज़ ओनली और क्वांटिटी आपको 100 ml की मिल जाएगी। शेल्फ लाइफ आपको 2 ईयर्स की यहाँ पर दी हुई है। गाइज, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस। गाइज, लास्ट 1 मंथ से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस शैम्पू को यूज़ कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, स्पेशली मैं डैंड्रफ पर यहाँ पर फोकस कर रही हूँ कि अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें। और गाइज, आप लोगों को बता दूं कि डैंड्रफ की वजह से ही हेयर फॉल होते हैं। ठंडियों में अक्सर हमने देखा है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ठंड की वजह से बाल झड़ रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से बाल नहीं झड़ते। बाल झड़ने का रीज़न होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ की वजह से हमारे बाल की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। तो गाइज, डैंड्रफ के लिए आप अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और अगर अपने बालों को आप ऑयल से मसाज नहीं दे रहे तो आपका डैंड्रफ नहीं जाएगा, और अगर शैम्पू से डैंड्रफ जाता भी है तो आपका हेयर फॉल कम नहीं होने वाला। तो इसके लिए आपको, अगर आप डेली ऑयल मसाज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीक में 3 टाइम्स जब आप शैम्पू करते हैं उससे एक रात पहले आप अच्छे से ऑयल को थोड़ा सा अगर आप गर्म करके यूज़ कर सकते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर ले जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, और फिर अच्छे से बालों में मसाज करें। ओवरनाइट ऑयल को बालों में लगा रहने दें और मॉर्निंग में आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, जब आप हेयर वॉश करते हैं तो शैम्पू लेते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लें। बहुत ज़्यादा शैम्पू लेकर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम क्वांटिटी हमारे बालों के लिए इनफ हो जाता है। और सबसे अच्छी बात गाइज कि इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। सो मैं आप लोगों को ये शैम्पू हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल है या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो प्रोडक्ट मुझे सूट हो रहे हैं या मेरी फैमिली को सूट हो रहे हैं, मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आप लोगों को भी सूट हो। तो यूज़ करने के लिए पहले आप बड़ी बॉटल्स परचेस ना करें। मेरी वीडियो देखकर आप बड़ी बॉटल को परचेस ना करें। आप पहले सेशर ढूंढें, अगर आपको मार्केट में उसके पाउच मिलते हैं तो विच इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं मिलते तो छोटी बॉटल परचेस करें, उसे ट्राई करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बालों में सूट हो रहे हैं तब आप इसकी बड़ी बॉटल परचेस कर सकते हैं। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रिव्यू आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। बाय गाइस।